ध्यान क्यों नहीं जाएगा अगर आमिर खान बगल में शूटिंग कर रहा है? रोल कैमरा एंड एक्शन। साले वहीं पे रुक जा, अभी अभी तो नया नया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना और कुत्ते भौंकने लगे। ओए सॉरी यार, दुनिया बेकार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा और आप सब देख रहे हैं विजय शर्मा ब्लॉग। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं मुंबई के फिल्म सिटी में, तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं मुंबई फिल्म सिटी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये टिकट काउंटर है फिल्म सिटी का। यहाँ पे देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक, और काउंटर पे ही नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो वो नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी ये पीछे टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने अभी टिकट लिया है जो कि 1000 पर पर्सन है। 1000 रुपीज़ में यहाँ पे 3 घंटे का टूर रहता है फिल्म सिटी का, तो पूरा फिल्म सिटी आपको घुमाया जाता है। ये फिल्म सिटी का मेन गेट है। यहाँ पे आपको आने के लिए गोरेगांव स्टेशन, जो कि मुंबई वेस्टर्न लाइन में आता है, वहाँ पे आपको ईस्ट साइड में बाहर आना है। वहाँ से आपको ऑटोज़ भी मिलेंगी और बस भी मिलेंगी। अभी ये जो बस है दोस्तों, यही हमें अंदर टूर करवाती है। अमिताभ मूवी स्क्रीन पर दिखने में ऐसी नजर आएंगी, ईंटों से और सीमेंट से बनाएंगे, बट होती है लकड़ी, क्लाउड, थर्माकोल, प्लास्टर और पेरिस से बनी। शूटिंग खत्म होने के बाद पूरा सेट डिसमेंटल कर दिया जाएगा, पूरा सेट तोड़ दिया जाता है और मैदान खाली नजर आते हैं। फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए जो चाहे वो बना लो उसी खाली मैदान पर। जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर इतना बड़ा सेट मौजूद है, लोकेशन का नाम है जोश मैदान। जितना कैमरा फीड में रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतना ही पोर्शन ब्यूटीफुल रियलिस्टिक तरीके से क्रिएट करेंगे, और जितना पोर्शन नजर नहीं आएगा कैमरा में उतना वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और उतने जगह पर कर्टन्स रख दिए जाते हैं जैसा कि आप लोग देखोगे। ये देखिए, इसी गार्डन में शादी ब्याह पार्टीज के रिसॉर्ट के सीन लिए जाते हैं। अनुपमा की 3 दिन लगातार शादी हुई थी यहाँ पर, सुबह से लेकर शाम तक शादी हुई, 3 दिन में 7 फेरे लिए। यहाँ का शूटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और सामने आज मैंने जो कि कहा सुबह से बालवीर सीरियल का शूट चल रहा है यहाँ पर। अगर अभी शूट चल रहा होगा तो देखने मिल जाएगा आर्टिस्ट वगैरह, अगर नहीं चल रहा होगा तो लोकेशन की जानकारी दूंगा, फिर आकर बजवाइन करेंगे। आगे चल रहा, लाइटिंग ऑन है, लोग नजर आ रहे हैं, चल रहा होगा तो देखने मिल जाएगा। बैकअप होगा तो कुछ भी नजर नहीं आता, चल रहा है आई गेस। ऑन योर राइट हैंड साइड अंदर थोड़ा अंधेरा होगा क्योंकि शूटिंग होती है तभी ऑन करते लाइट्स, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा ये सेट, ये अभी बनाया जा रहा है इसलिए ओपन है। एंड द मटेरियल व्हिच हैज बीन यूज्ड एज यू कैन सी, लकड़ी, प्लाईवुड, थर्माकोल का कमाल। जितना पोर्शन बिल्डिंग का नजर आएगा वो अंदर की तरफ है, और जितना हमारी तरफ उतना कैमरा में नजर नहीं आता। तब जाकर आप लोग बिलीव कर लेते रियल लोकेशन है, बड़े ऐसा नहीं होता और आप लोग इतना नोटिस भी नहीं करते। राइट, on your left hand side as you can see Abucha village, Abucha gaon, Dil Pradesh, Vadesh, Gori Tere Pyar Mein, Tube Light jaise movies mein aap logon ne gaon dekha, yahi gaon nazar aayega aapko. Abhi haal hi mein release hui thi movie Bhul Bhulaiya 2, Kartik Aaryan Roo Baba Bankar Pure, ji ha, Bhul Bhulaiya 2 mein Kartik Aaryan pure gaon mein tehlte rehta hai janta ke sath, yahi gaon nazar aayega aapko, Abucha gaon. Village location only for shooting purpose, permanent village, sirf no distraction na ho, disturbance na ho. Studies ke dauran bahut sari problems aa rahi thi, sabhi ka dhyan shooting ki ori ja raha tha. और ध्यान क्यों नहीं जाएगा अगर आमिर खान बगल में शूटिंग कर रहा है, इसलिए 50% काम यहाँ पर किया गया, 50% काम रियल कॉलेज में, मेजर शॉट्स रियल कॉलेज में। ये लेफ्ट हैंड साइड पर कालिया मैदान, एक फुल्ली कवर्ड मैदान है, 90s के जमाने की बहुत ही फेमस मूवी कालिया यहाँ पर फिल्माई गई दोस्तों। जी हाँ, उस मूवी में आप लोगों ने बहुत बड़ा जेल देखा, जिस जेल में खड़े होकर अमिताभ बच्चन सर अपना फेमस आइकॉनिक डायलॉग बोलते हुए नजर आए, हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं, पूरा डायलॉग शूट किया गया, पूरा जेल क्रिएट किया उस सीन के लिए। और अभी यहाँ पर ये सेट क्रिएट किया गया है बालाजी डेली फिल्म प्रोडक्शन हाउस का, सीरियल का शूटिंग यहाँ पर होता है जिसका नाम है नागिन 6, तेजस्वी प्रकाश। वहाँ सामने कपिल शर्मा शो का सेट है, लेकिन थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। नजर आएगा तेरे इश्क में घायल सीरियल का, यहाँ से सीधा आगे जाओगे उस पोस्टर से तो आगे ब्लैक कलर के कर्टन्स और पत्रे नजर आते हैं, वही है तेरे इश्क में घायल और अनुपमा का बंगलो। जी हाँ, ये देखिए आपके राइट साइड पर गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड नजर आएगा आपको यहाँ से, जो कि मेन एंट्रेंस होता है गोकुलधाम सोसाइटी का। जी हाँ, बट उस बोर्ड को देखना यही से पॉसिबल होता है क्योंकि रीजन आपको ऑलरेडी बताया गया। हम सेट सारे एक जैसे होते हैं, फिल्म में कुछ भी रियल नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है मेरा पूरा मोहल्ला। लेफ्ट हैंड साइड पर बिग बॉस का सेट, सलमान खान सर का बिग बॉस, ये रहा मेन एंट्रेंस, ये रहा पोस्टर सलमान सर का। यहाँ पर अभी मलयालम इंडस्ट्री का स्टेज लगा हुआ है मोहनलाल के लिए।
राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा एक बंगलो। जैसा कि मैंने कहा, बंगलो का फ्रंटल एरिया बनाया जाएगा, सामने वाला हिस्सा। दीवारों पर गौर करिए, एक गुस्सा मारू के छेद भी हो सकता है। और यहीं पर दीपिका पाडुकोन को महल के साथ जला दिया गया था दोस्तों। ओम शांति ओम मूवी में, जी हाँ, फिर एज यूजुअल सारे सेट्स को तोड़ दिया जाता है। उस महल को तोड़ दिया गया, इस बंगलों को क्रिएट किया, जहाँ पर मधुबाला, बटक लेना बावरे, सुहानी से एक लड़की, पीटरसन हिल जिसे सीरियल की शूटिंग हुई और अब यहाँ पर शूट किया जाता है, वो तो है अलबेला सीरियल, जिसका लीड एक्टर है शाहिर शेख, जिसने अर्जुन का रोल किया था महाभारत में। बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उसका फेस बहुत जाना पहचाना है। आगे लेंगे एक ही कॉमन मंदिर आपके राइट हैंड साइड पर, वन ऑफ द फेमस लोकेशन ऑफ आवर फुलझड़ी टेम्पल मंदिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मंदिर के सेट पे। ये देखिए आप, ये पीछे मंदिर है, ये काफ़ी सारे सीरियल्स और बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हुआ है, आपने देखा होगा इसे। ये देखिए, अगर आपको एक बंगलो नजर आएगा, गोल्डन कलर का बंगलो, बंदर देख लो, चिंपांजी, सॉरी, इस बंगलो पर ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइए, नाम है बागबान बंगलो। जी हाँ, अमिताभ बच्चन सर का बंगलो बागबान मूवी में आप लोगों ने जो देखा, इसे ही चेंज करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर यूज किया गया। एंट्री एग्जिट के सीन लिए गए अमिताभ बच्चन सर के। एंट्री एग्जिट क्यों, अंदर का सीन क्यों नहीं, मेन डोर खोलोगे, अंदर जाते ही नजर आएगी एक दीवार, स्टार्ट टू ए बंगलो फिनिश हो जाता है। चलेंगे बहुत ही आइकॉनिक मंदिर की ओर, यहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड्स भी है, कैमरास में कैद हुए बहुत बार, किसी को किसी ने हार्म नहीं पहुंचाया, इसलिए हर जगह उतरना पॉसिबल नहीं होता। आइए, आप सबने अक्षय कुमार जी की वो ऐड ज़रूर देखी होगी जो हर एक मूवी से पहले होती है, कि हीरोपंती फूफू करने में नहीं है, जिसमें स्मोकिंग के लिए मना किया जाता है, तो ये वही है जहाँ पे वो शूट हुआ ऐड। 90s के जमाने की हीना मूवी, ऋषि कपूर पानी में बह जाते ब्रिज के नीचे से पाकिस्तान पहुंचाते, यहीं से बह गए थे वो भी। मूवी आई थी माचिस, ओमपुरी मिसाइल लॉन्च करता है, गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाती है, उस सीन में पूरा ब्रिज और गाड़ी ब्लास्ट होते हुए नजर आएगी। कोई मिल गया हमें जादू को लेकर, भागते हुए ऋतिक रोशन गिर जाते हैं। नाइट का पुलिस चेसिंग का सीन पूरा लिया गया कोई मिल गया मूवी के लिए। सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल और सीआईडी की लाशें यहीं से पाई जाती है दोस्तों। जी हाँ, लाशें बरामद करेंगे तो या कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ भी यहीं पर होती है। दादा दादा, डाउट होता है कि बिग बॉस शो नकली शो है, बट ऐसा नहीं है, पूरा रियल होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जितने भी कंटेस्टेंट्स अंदर रहते हैं, जितने महीने उन्हें अंदर बिताने पड़ते हैं, उतने महीने बिताने ही होंगे। कंटेस्टेंट्स को सिर्फ फर्स्ट डे पर और ग्रैंड फिनाले पर ही बाहर लेकर आते हैं, अदरवाइज हम लोगों ने कभी भी उन्हें बाहर नहीं देखा, हमेशा सब लोग अंदर ही रहते हैं। राइट हैंड साइड पर बिग बॉस और सामने ध्रुव तारा सीरियल का मुकाबला। अगर आपकी टीआरपी कम आ गई, लोग अगर सीरियल को पसंद नहीं कर रहे तो पूरा सेट तोड़ देंगे इन फ्यूचर अगले सीरियल। ये अभी अभी बनाया गया है 2-3 महीने पहले। आगे लेंगे दादा, ये अभी अभी बनाया है, इसके आगे आपको नजर आएगा गोयंग का विला, सिंगानिया सदन, दो बंगलो है, एक बंगलो है उदयपुर में, एक बंगलो है जयपुर में। यहाँ पर है अगल बगल में राजस्थान की स्टोरी बताई जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत ही फेमस लोकेशन, कोर्ट, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुंबई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, यूपी कोर्ट, बिहार कोर्ट, जलंधर कोर्ट, लखनऊ कोर्ट, यहाँ तक कि इंग्लैंड का कोर्ट था ये एक सीरियल के लिए, जिसका नाम है बैरिस्टर बाबू। रुकेंगे दादा, मूवीज की बात करूँ तो घातक दामिनी नायक खलनायक, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, सिद्धि सलाके पिंग, अमला पगला दीवाना, ओ माय गॉड, जॉली एलएलबी, बहुत सारे मूवीज में ऐसा कोर्ट आप लोगों ने इसे देखा, इसके अंदर भी कोड एक्यूरेट कोड का लोकेशन बनाया गया है, ये पूरा परमानेंट है, ओनली फॉर शूटिंग पर्पस। दादा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी के सारे लेजेंडरी सीन्स
फ्लोर वाले जो आप लोगों ने देखे गन स्मगलिंग के सीन्स और जोकर के बेस में वगैरह, हेरा फेरी का शूट लिया गया, बट उस चॉल को एज अ ड्रेसिंग रूम अभी यूज किया जा रहा है, जो ड्रेसिंग रूम है द कपिल शर्मा शो का, जो कि आप लोग देख रहे हो सोनी चैनल पर। एज यू कैन सी द पोस्टर, सलमान खान टेलीविजन का पोस्टर नजर आएगा जो कि प्रोडक्शन हाउस है कपिल शर्मा शो का। मैंने आपको बैक एंट्रेंस दिखाई, अगर आपको याद होगा ऑडियंस की एंट्रेंस, ये है सेलिब्रिटीज की एंट्रेंस। यहाँ से सीधा आगे जाओगे, आगे से लेफ्ट लोगे तो सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट एंटर करते हैं। जितना आपको चॉल नजर आ रहा है वो ड्रेसिंग रूम है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्टूडियोज है जिसके अंदर होता है द कपिल शर्मा शो। आगे लेते दादा, फोटो स्क्रिप्ट टाइम मिलेगा, शो चालू होने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रताप नगर उदयपुर का पुलिस चौकी बनाया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा बॉलीवुड पार्क बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे थीम्स बनाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 3D मूवी में जो तीनों एक्टर बैठ के बोलते हैं सॉन्ग में, भैया ऑल इज वेल, ये वही यहाँ पे बैठने का बनाया हुआ है। और यहाँ पे जेल भी बनाई हुई है। और ये देखिए यहाँ पे गोलमाल मूवी की बाइक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं बॉलीवुड थीम पार्क जो कि फिल्म सिटी मुंबई में है। तो चलिए चल के देखते हैं, अभी हमने जो देखा वो बॉलीवुड थीम पार्क है और यहाँ पे अभी एक शो होने वाला है 10-15 मिनट का, तो चलिए वो भी चल के एंजॉय करते हैं। तो देखते हैं कैसा यहाँ पे शो होता है और उसके बाद में और क्या क्या लोकेशंस यहाँ पे हमें देखने मिलती हैं। तो चलिए चल के एंजॉय करते हैं शो को। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम प्रथम है और मैं यहाँ पे एज अ पॉली आर्टिस्ट और एज अ एडिटर काम करता हूँ। ये टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्में किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से डबिंग की जाती है, किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। वैसे ही फिल्म में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे फॉली साउंड कहते हैं। फॉली जो वर्ड है शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पर फॉली का जो इफेक्ट है वो हर फिल्म में हर सीरियल में सुनते हैं, देखते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। सो एग्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है, फिल्म में जो हरकतें होती है ना, इन्हें आवाज़ देने का फॉली साउंड काम करता है। जैसे किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, गाड़ी रुक गई तो ब्रेक की आवाज़ आती है, या तक किसी ने स्विच भी ऑन किया तो हमें स्विच ऑन करने की भी एक आवाज़ आती है। तो ये जो सारी छोटी मोटी आवाज़ें हम अलग से रिकॉर्ड करके फिल्म में यूज़ करते हैं उसे फॉली साउंड कहते हैं। और उससे क्या होता है कि फॉली साउंड यूज करने से क्या होता है कि वो जो सीन है और भी रियलिस्टिक लगता है हमें। तो ऐसे कुछ फॉली एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं आपको। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या, जो अक्षय सर की आई थी, किसी ने देखा है यहाँ पे, देखा है, ओके। सो उसमें ज्यादा करके हमने जो आवाज़ सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज़, ये भी एक फॉली साउंड है, उसे भी हम एक्चुअली में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये आवाज़ किस तरह से बनी होगी आइए देखते हैं वीडियो के साथ।
ऑडियो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह जो स्पेशल माइक यूज होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं, तो सारे फॉरी साउंड इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इससे फॉरी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए एक बंद स्टूडियो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ओपन स्टूडियो है, तभी मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए। ओके, ये जो वीडियो देख रहे हो इसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देंगे जिसे फॉरी साउंड कहते हैं। तो किस तरह से फेक आवाजें रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में, जिस तरीके से ये पॉली साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अभी जो मैंने ऑडियो सुना है एक रॉ ऑडियो, मतलब मैं डायरेक्टली सुना रहा हूँ यहाँ पे, पर आप जो फिल्म देखते हो ना उसमें बहुत बारीकी के साथ इस पॉली साउंड के ऊपर काम किया जाता है। इस आवाज़ को पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर एडिटर में एडिट किया जाता है, वीडियो के साथ इसे कुछ इफेक्ट ऐड किए जाते हैं, तब जाकर ये आवाज़ें आप सुनते हैं, देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। जैसे 90% फिल्मों में ना फाइट सीन्स होते हैं और हर मुक्के पे एक आवाज़ आती है, किसी गर्दन मरोड़ी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है, हड्डी टूटने की हमें आवाज़ आती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं, किसी ने सुना है कि हड्डी टूटने की आवाज़? नहीं, ये भी एक फेक साउंड है, फॉली साउंड है, पर किस तरह से रिकॉर्ड होती है आवाज़? ये फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल से हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, इसके मदद से फॉली साउंड रिकॉर्ड होता है। तो किस तरह से इफेक्ट आता है ये? हमारा जो सारा ध्यान फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में हड्डी टूटने की आवाज़ यही से आती है और यही आवाज़ सुन के हम एंजॉय कर रहे हैं, इसे फॉली साउंड कहते हैं। वैसे एक फिल्म में कम से कम 15-16 हज़ार पॉली साउंड होते हैं, फेक साउंड होते हैं। यहाँ पे मैं सारे नहीं दिखा पाऊंगा, पर कुछ ऐसे दिखाऊंगा जो आप हमेशा टीवी स्क्रीन पे देखते हो। अब जब भी स्क्रीन पे कोई जलती हुई लकड़ियाँ देखते हो, कोई आग का सीन आता है, तो हमें आग की एक आवाज़ आती है, ये भी एक फॉली साउंड है, फेक साउंड है। तो ये आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है? ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी मदद से ये फॉली साउंड रिकॉर्ड होता है। तो किस तरह से इफेक्ट आता है? जिस तरीके से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे लास्ट में मैं घोड़े के टापों की आवाज़ भी यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा, ये पता है ना सबको, नारियल, इसकी मदद से ये साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। जिस तरीके से ये पॉली साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऐसे आप आइए, एक मेल और एक फीमेल चाहिए मुझे, दिए जाते हैं, तो मैं आपको मार्किंग देता हूँ, ये और यहाँ पे खड़े हो जाइए आप। ओके, सर इनके बाजू में आइए आप, शिफ्ट हो जाइए थोड़ा सा। ओके मैम, इनके बाजू में आइए और इनके बाजू में आप। ओके सो आप लोग जहाँ पे खड़े हो यहाँ पे हम विजुअल सेट करते हैं। वैसे कहीं कुछ नया विजुअल सेट करने के लिए वैसे बहुत टाइम लगता है, मतलब 2-4 घंटे तो आराम से लगेंगे, पर यहाँ पे मुझे इमीडिएटली आपको दिखाना है कि किस तरह से बैकग्राउंड चेंज होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ एडिट करके रखा है, सो आप लोग हो यहाँ पे दिखने वाले हो जेल में। ओके सो एक्ट क्या करना है आपको बताता हूँ। जैसे पार्क में आप घूम रहे थे, चारों टूर कर रहे थे, और कुछ तो तोड़फोड़ हुई है, मारामारी हुई है, और पुलिस ने आपको ही पकड़ के यहाँ पे लेके आए, मतलब जेल में लेके आए। आप चारों को बहस कर रहे हैं, इस कैमरे के पीछे इंस्पेक्टर खड़े हैं जो आपको पूछ रहे हैं किसने किया है। आपको बस यही बोलना है इस कैमरे में देख के, जेलस हमने कुछ नहीं किया, जो भी कहें दोनों ने कहीं इनको जेल में रखा। सिर्फ उनको रिप्लाई देना है कि जेलस आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, लोग जो भी करा इन्होंने किया, हम तो बस सेल्फी ले रहे थे, घूम रहे थे, तो जो भी करा इन्होंने किया इनको जेल में रखा। नॉर्मल से आप चारों को बहस करनी है आपस में, ये बोलते समय आपको जगह नहीं छोड़नी आपकी, लेफ्ट राइट नहीं जा सकते हो या आगे पीछे नहीं जा, टर्न हो सकते हो। ओके, और जेल में कोई हंसता नहीं है, तो थोड़ी सी सीरियस एक्टिंग करना। ओके, जैसे मैं रोल कैमरा एक्शन बोलूंगा ना, एक्टिंग स्टार्ट करनी है,
और जब तक मैं कट नहीं बोलूंगा तब तक रुकना नहीं, मन के डायलॉग से बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो बोला वही बोलना है आपको। आवाज लाउड रखना ताकि आपकी आवाज इस कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए। रेडी आप लोग, रोल कैमरा एंड एक्शन। ओके ओके कट कट कट, जरूर तालियां हो जाए। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट अरिस्टा फिर मैं आपकी दोस्त दिव्या, आप सभी का बॉलीवुड पार्क में तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार खुद के लिए ताली हो जाए। हंसना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही हमें हंसाने के लिए हमारे बीच में एक आर्टिस्ट मौजूद है जिनको ना आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में भी देखा होगा, जैसे कि द लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस में भी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए रोहित प्यारे जी का। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कैसे आप लोग, बढ़िया फर्स्ट क्लास। एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाइए। वाओ, जोश है। हमारे राजू श्रीवास्तव जी कह गए, भैया जो हंसे उसका घर बसे, राइट? जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे पूछो का बसे। अब आप दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक के बीच में कोई भी एक्टर का नाम लेंगे, मैं आवाज निकालूंगा। बोलिए चार एक्टर का। सलमान खान, अरे वाह, सलमान जी की फैन है। वो बाजू में बैठे कौन है? पप्पा है। हाउ सो क्यूट पापा, बंगाल से आए असम में? अरे वाह, क्या बात है, असम के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। तो नाम बोलिए, सलमान खान इधर से बोलिए, नाम चार नाम बोलिए। शाहरुख, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। ठीक है, अजय देवगन से शुरुआत करते हैं। आवाज पसंद आएगी तो क्लैप करना आप लोगों को, ठीक है? अजय देवगन गुस्से में कुत्ते को देख के चिल्लाया, ओए रुक जा शाले वहीं पे रुक जा, अभी अभी तो नया नया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना, और कुत्ते भौंकने लगे, ओए सॉरी यार दुनिया बेकार बिना सौरभ सरदार, ओए पाजी भोला के लिए ठोको ताली यार। सलमान भाई कुत्ते को देख के बोलते हैं, कमाल करते हो कुत्रिया, कमाल करते हो, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि भूखे कहां से और कैसे करेंगे। बच्चन साहब को देख के कुत्ता घुर रहा है, बच्चन साहब कुत्ते को देख के घुर रहा है, आए आए, अरे ठहर जाइए भैया ठहर जाइए, बताइए कि आज ये ऑडियंस कहां पर आई है, ए बॉलीवुड पार्क, बी बॉलीवुड पार्क, सी बॉलीवुड पार्क या डी बॉलीवुड पार्क। कुत्ता बोला, ऑप्शन तो दे मेरे बाप, लॉक कर दे, बॉलीवुड पार्क में गए। थैंक यू। और क्या बोला, शाहरुख भाई इतने रोमांटिक है, मोहब्बत के किंग, मतलब रोमांटिक के किंग बेताज बादशाह। कुत्ते को भी देख के रोमांस आता है उनको, कुत्ते को देख के बोलते हैं, हे कुत्ते यार, हे कुत्रिया, तेरी आंखों की नमकीन मस्ती आ रही कुत्रिया, तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, आई लव यू। कुत्ता आन पे आ गया, आई लव यू कुत्रिया, आई लव यू सो मच। अब एंड में परेश रावल ने कुत्ते के कान में कुछ कह दिया, किसी का बाकी नहीं आ, और बोलिए चार आवाज थोड़ा पड़ता, सनी देओल सनी देओल, ये मजदूर कहां तक आ गया,
कुतिया वहां पे जाकर उसका कार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पे पलने की जरूरत नहीं, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। नारा मारेगा साहब कुत्ते को, अच्छा है ये मजनू, मजनू देख है कुत्ता आगे से काला पीछे से पीला है, कुत्ता है कि मुंबई की टैक्सी। अब एंड में परेश रावल ने कुत्ते के कान में कुछ कह दिया, सुनील शेट्टी अक्षय कुमार आ गए बाबू भैया से पूछने के लिए, ये प्रोडक्ट आपका है, बहुत अच्छा है सर, जो सर चुप करेंगे बिठाई ना प्लीज, बेटा बैठ जाओ आईफोन मिलेगा शो के बाद। हाँ अब सुनील शेट्टी, ए बाबू भैया कुत्ते को क्या बोल दिया, जो कुत्ता भाग गया इतनी चमाइला शाला, जा मेरा बाकी से दो गुट मार ले जा। अबे साले बाबू भैया ये बता, दो गुट मारने से कुत्ता भाग जाएगा क्या, अरे दीवान दो गुट मारने से मेरा बाप चला गया, मेरी बीवी चलेगी, तेरा कुत्ता कैसे रह जाएगा हराम खो। थैंक यू सो मच, मजा आ गया आप लोगों से बात करके। सो फ्रेंड्स अभी कॉमेडी के बाद में अभी यहाँ पे जूनियर शाहरुख खान का एक शो हो रहा है, डांस चल रहा है अभी, मैंने गाना निकाला हुआ है क्योंकि कुछ यूट्यूब गाइडलाइंस थी उसकी वजह से मैं गाना नहीं रख पाया वीडियो में, और अभी आगे देखते हैं और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। क्या बात है, तो ये थे हमारे जूनियर शाहरुख खान यानी कि राजू रैगवार जी, और इनको ना आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में भी देखा होगा, जिसकी द कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, ज्यादा अंदर था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप भी यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। चल जाए इधर आना, इधर आना, चल आपको नहीं देखना जादू, कोई मिल गया से आसाम, जैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये
सो गाइस, अभी हमने फिल्म सिटी पूरा घूम लिया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अभी हमने बॉलीवुड थीम पार्क देखा, अभी हमने काफ़ी सारे इवेंट्स भी देखे उसमें। सो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छी प्लेस है। आप भी आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और आपको ये जगह कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।